हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता, रेस्टोरेंट स्टाइल चीजी क्रीमी एंड टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहां पर 2 कप पास्ता लिया है, 600 ml दूध लिया है, 1 प्याज, थोड़ा सा लहसुन जिसे कि मैंने बारीक टुकड़ों में काट के रखा हुआ है, आधी शिमला मिर्च, थोड़े से गाजर, 3 चम्मच मैदा, 1 कटोरी चीज जिसे कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, 2 बड़े चम्मच बटर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक लिया है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। पहले हम इस पानी को उबलने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पानी अब उबल चुका है। अब हम उसमें ये पास्ता डालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। हमें इसे ज्यादा ग्रिल नहीं करना है, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता अब बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुआ है। अब हम इसे इस छलनी में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैंने गैस पर एक दूसरी कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अब हम उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे ये लहसुन, प्याज, और शिमला मिर्च डालेंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें इसे ग्रिल नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है, मतलब हमें इसे थोड़ा सा ही ग्रिल करना है। हमारे प्याज और शिमला मिर्च थोड़े से ग्रिल हो चुके हैं। अब हम इसमें ये गाजर डालेंगे, काली मिर्च, और इसमें से आधा मिक्स हर्ब और आधी चिली फ्लेक्स। और नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसे उतार लेंगे और दूसरी कढ़ाई रखेंगे। मैंने गैस पर एक दूसरी कढ़ाई रखी है। अब हम उसमें अपना ये बटर डालेंगे
अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप घी भी ले सकते हैं और ये मैदा डालेंगे। अब हम 5 से 7 मिनट इस मैदे को भुनेंगे इसमें पहले मीडियम फ्लेम पर। हमारा मैदा अब बटर में अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए भुनेंगे। अब हम इसमें ये दूध डालेंगे। हम इसमें पहले आधा ही दूध डालेंगे। अब हम इसमें ये पूरा दूध डाल देंगे। इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए। हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। अब हम इसमें ये काली मिर्च पाउडर, ये मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, और ये नमक डालेंगे। हमारा व्हाइट सॉस रेडी है। अब हम इसमें ये फ्राई की हुई गाजर, टोमेटो और शिमला मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें ये बॉईल पास्ता डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपना ये पास्ता वाटर डालेंगे जो पास्ता छानते समय बचा था। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता अब पूरी तरह से रेडी है। अब हम इस गर्मा गर्म पास्ता में ये ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। गर्मा गर्म पास्ते में चीज डालने से ये चीज जब उसमें मेल्ट होगा तो पास्ते की टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक
सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। हमारा क्रीमी टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस पर चीज डालेंगे ग्रेट करके। अब हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।